हेलो जन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे SLB कोचिंग सेंटर के नए वीडियो में। हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के लिए रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन में कुछ हम लोग यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा गया है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, अब ये आज एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को क्वेश्चन नोट करना है और एक बार अपने से करना है, ठीक है। इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे अभी इस वीडियो में या आगे आने वालों में, तो आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ आप लोगों को बहुत ध्यान के साथ वीडियो को करना है और पढ़ना है। तो एक बार वीडियो रोक करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और अगर फिर नहीं बनेगा या फिर इसका जो भी आंसर है, जो भी सोल्यूशन है, यहां पर करा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हो सकता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो। तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो, हमारे क्वेश्चन में देखना है समीकरण 1 और समीकरण 2, दो प्रकार के समीकरण दिए गए, ठीक है। हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। पहला समीकरण है 3x + y = 1, ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये दो समीकरण है, या तो हम कह सकते हैं कि ये किसी प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं, ये दो रेखाओं के समीकरण है। अब इनको के इस क्वेश्चन में पूछा है कि k की हमको वैल्यू फाइंड करना है, k का मान ज्ञात करना है, और ऐसा k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक कंडीशन दिया कि कोई हल ना हो, ठीक है। तो कोई हल ना हो इसके लिए हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, या आप लोग को क्लास में भी बताया गया होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और इसको कैसे निकालेंगे इसका तरीका पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप देखो, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू b1 की 1, और c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो c1 की देखो, ये जो हमारा कांस्टेंट पद है ये बराबर किस साइड है, तो इसको पक्षांतर करके b के साइड लाएंगे, तो देखो ये जब इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -1। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से कर देते हैं, ठीक है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो हमारे a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो वैल्यू निकालते हैं, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2k - 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी k - 1, c2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये पूरा पद हमारा c है, जब इसको इधर लाएंगे तो इसके पूरे चिन्ह बदल जाएंगे, देखो 2k इसके आगे चिन्ह है प्लस का, जब इधर आएगा तो माइनस का, 1 भी इधर आएगा तो 1 के आगे भी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का। अब ये कैसे हो गया, हमने कैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल दी, ये देखने के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा बताया गया है एक एक मेथड, ठीक है। तो अब हमको वैल्यू निकालने के बाद अपनी कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन दिया है कि अगर कोई हल नहीं है इसके लिए हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर कोई हल नहीं है, जब कोई हल ना हो इसके लिए कंडीशन है a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू 2k - 1 = b1, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी k - 1, c1 / c2, देखो यहां पे बताया गया है कि जो c1 / c2 है cannot equal, यानी b1 / b2 या a1 / a2 के बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, और a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रखने के बाद ये जो बना
इसका हम लोग तीन का गुणा कर देते हैं। तो तीन का गुणा इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 3k-3 इक्वल टू, एक का गुणा इन दोनों से करेंगे तो एक का गुणा 2k से करेंगे, 2k-1 आ गया वैल्यू। अब इसके बाद k, देखो यहां पर 3k है इधर 2k है, तो दोनों k वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, 3k 2k के आगे साइन क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस, इधर आएगा तो -2k इक्वल टू, देखो 1, हमने k वाले जब एक तरफ कर लिया, इसमें चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ किया जाता है, तो देखो हमने k वालों को एक तरफ कर लिया, तो बिना जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ कर लेंगे कॉन्स्टेंट, तो देखो -1, अब 3 उधर जाएगा तो 3 के आगे प्लस है, जब बराबर को क्रॉस करके जाएगा तो मतलब पक्षांतर हो रहा है और इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस है तो +3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3k से 2k माइनस करो कितना बचेगा, 3k से अगर 2k माइनस करेंगे तो आंसर आएगा k, ठीक है, इक्वल -1 + 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है, तो जब माइनस और प्लस को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा, एक नंबर जब माइनस का हो एक प्लस का हो तो दोनों संख्याएं घट जाती हैं, तो 3 से 1 माइनस करेंगे 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो अब जो हमारी कंडीशन थी k का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए कोई हल ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा k-2, ठीक है। चलो तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन हम बताएं, इससे पहले आप सब लोग रफ निकालो और रफ निकाल करके इसको सॉल्व करो, और जिसका जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, ठीक है, ताकि पता चल जाए हमको भी कि अच्छा कौन कौन पढ़ रहा है और पढ़ने के लिए ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप, देखो परिमाप नहीं दिया, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात करो, ठीक है, बीमाई ज्ञात करो या बीमाई ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको कुछ फाइंड करना है, कुछ निकालना है, तो हमको कुछ मानना पड़ता है। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है बाग की बीमाई, बीमाई मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई, जैसे हमारा ये एक बाग बना लिए तो इसकी जो कुछ लंबाई होगी और कुछ चौड़ाई भी होगी, इनको बीमाई बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी बीमाएं हमको निकालना। तो अब बीमाएं निकालने के लिए मान लेते हैं इसको, माना बाघ की लंबाई एल मीटर, बाघ की लंबाई मान लिया हमने एल मीटर, तो चौड़ाई भी कुछ होगी, बाघ की चौड़ाई हमने मान लिया बी मीटर, ठीक है, हमने माना बाघ की लंबाई एल मीटर और बाघ की चौड़ाई बी मीटर। अब चलो इसकी कंडीशन पे चलते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले दिया है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, कौन अधिक है, तो ध्यान रखना जिसका नाम पहले दिया हो, देखो पहले दिया है लंबाई बाद में दिया है चौड़ाई, जिसका नाम पहले हो उसकी बात कर रहा है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहां पे कौन अधिक हुआ, लंबाई अधिक हुई, क्योंकि लंबाई का नाम पहले दिया है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी एक्चुअल में हमने जो एल और बी माना है तो ये जो लंबाई है, ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल माने, ठीक है, अगर मान रहे हैं कि हमारी लंबाई अगर 20 मीटर होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर ही रहेगी, तभी ना देखो 4 मीटर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा कंडीशन बनेगा। तो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, कंडीशन दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो देखो हम निकालते हैं लंबाई इक्वल टू, लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा कैसे करेंगे, हम अगर चौड़ाई में 4 जोड़ दें 4 मीटर, तो किसके बराबर पहुंच जाएंगे, लंबाई के, देखो लंबाई 4 ज्यादा थी, किससे ज्यादा थी, चौड़ाई से, तो चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया, तो अब तो दोनों बराबर हो गए ना, तो अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, दोनों L और B को एक तरफ कर लेते हैं, तो L-B = 4, इससे क्या होगा,
हमारे चर एक तरफ हो जाएंगे और अचर एक तरफ हो जाएंगे, और ये जो बना इसको मान लिया हमने समीकरण वन। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन दी थी इससे समीकरण बना लिया। अब आगे दिया है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। किसका? इस आयत का। किसका परिमाप? आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, देखो आयत का परिमाप दिया गया है, अरे उतर गया थोड़ा सा, आयत का परिमाप। अच्छा, अगर तुम लोगों से हम पूछे कि आयत के परिमाप पर सूत्र क्या होता है, तो आयत के परिमाप पर सूत्र होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लेकिन कंडीशन हमको परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप दी गई है, तो हमको परिमाप नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, अर्ध मतलब आधा, तो ये परिमाप है हमारा। अब इसका आधा करना है, तो आधा करने के लिए हम बटे दो लगा देते हैं। तो देखो दो और दो कट गए, बचा क्या? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर बना एल प्लस बी। ये देखो सूत्र होता है। अब वैल्यू देखो, अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 है, तो अर्ध परिमाप के नीचे रख देते हैं 36 बराबर एल प्लस बी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दो, बन गए। समीकरण एक भी बन गया और समीकरण दो भी बन गया। पहली कंडीशन दी थी उससे समीकरण एक बनाया, दूसरी कंडीशन दी थी इससे समीकरण दो बनाया। अब इन दोनों समीकरण को हल करके एल और बी का मान बताना है। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणनफल तीन विधियां हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अभी हमने विलोपन बता चुके हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से बताने वाले हैं। ठीक है, दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहां पर नाम लिख दिया ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। देखो समीकरण दोनों लिख लेते हैं पहले हम यहां पर। तो पहला समीकरण है एल माइनस बी इक्वल टू 4, ये समीकरण एक था, और एल प्लस बी इक्वल टू 36, ये समीकरण दो था। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि के लिए सबसे पहले हमको दोनों में से कोई एक समीकरण चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले काम करते हैं समीकरण एक ही ले लेते हैं। समीकरण एक से, अब समीकरण एक का करना क्या है, चलो पहले नोट कर लेते हैं। इससे हमारे जो दो वेरिएबल है इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, चाहे L का मान निकाल लो चाहे B का निकाल लो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसका मान निकालना चाहते हैं। तो हम अभी एक काम करते हैं L का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एक को पक्षांतर कर दो, एक पद को एक वेरिएबल को पक्षांतर कर देते हैं, तो L इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस बी। एल की वैल्यू हमको मिली 4 प्लस बी, ये वैल्यू मिली। अब देखो इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर तीन। एल की जो वैल्यू मिली 4 प्लस बी, इसको समीकरण नंबर तीन बना लिया। अब इस एल की वैल्यू बोले या तो समीकरण तीन की वैल्यू बोले, अगर हमने समीकरण एक से सॉल्व किया है तो जो भी वैल्यू आएगी उसको दो में रखेंगे, अगर हमने दो से सॉल्व किया होता तो जो भी वैल्यू आती उसको एक में रखते। ठीक है, तो हम समीकरण तीन में जो एल की वैल्यू बताई जा रही है, एल की वैल्यू 4 प्लस बी, इसको समीकरण जो दो में रख रहे हैं। एल का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है? समीकरण दो है हमारा L प्लस बी इक्वल टू 36, तो L की वैल्यू है 4 प्लस बी, तो हम L की जगह पर L की जो भी वैल्यू निकाले हैं वो रख देते हैं। L की वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस बी, देखो ये तो L की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद ये B तो रखना, प्लस B रखना बाकी है, इसको भी रख देते हैं, प्लस बी इक्वल टू 36 हो गया ना। तो अब देखो इस चार को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं और बी जुड़ जाएंगे, तो बी बी जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2B और 4 यहां से जाएगा 36 की तरफ, तो बराबर क्रॉस करके जाएगा, तो देखो इधर 4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
ठीक है। तो अब 2b इक्वल टू 36 से 4 घटाओगे तो आएगा 32 आ गया। अब दो का भी पक्षांतर कर लेते हैं ताकि b का मान आ जाए। अब बताओ दो और b के बीच में कहेगा चिन्ह है, दो और b के बीच में गुणे का चिन्ह है, कहेगा है गुणे का। तो ये दो जब उधर जाएगा इधर गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में, तो b इक्वल टू 32 अपॉन 2 इक्वल टू 16, b की वैल्यू क्या आ गई 16 यानी कि 16 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम b की वैल्यू निकाल लिए हैं तो अब b की वैल्यू चाहे समीकरण एक में रख दो चाहे दो में। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हम जब समीकरण एक और दो इन दोनों में से कोई एक समीकरण लेकर के वैल्यू निकालते हैं तो अगर हम एक लिए समीकरण तो जो वैल्यू आएगी उसको दो में रखेंगे, और अगर यहां पर हम समीकरण दो रख के लिए होते तो उसको एक में रखते फिर वैल्यू। लेकिन अब यहां पर जब एल या बी इनमें से किसी की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक वैल्यू आ गई फिक्स वैल्यू, अब 16 हमारी फिक्स है कि बात की जो बी किसको माना है हमने चौड़ाई को, कि जो बात की चौड़ाई है वो 16 मीटर रहेगी, ये एक वैल्यू आ गई एक भुजा। तो अब इसको चाहे हम जिस भी समीकरण में रखें चाहे एक में रखें चाहे दो में रखें यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन मिटा करके हम एल की वैल्यू भी निकालते हैं। अब बी की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम लोग समीकरण चाहे एक में रख लें चाहे दो में, जो किसी भी समीकरण में रख के हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण हम चलो एक में रख लेते हैं, समीकरण एक में किसकी वैल्यू है बी की, बी का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है एल माइनस बी इक्वल टू 4, अब बी की वैल्यू हमारी 16 तो एल माइनस बी, बी की वैल्यू है 16 तो बी की जगह पर हम लोग रख देते हैं 16 इक्वल टू 4। अब 16 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो एल इक्वल टू 4 प्लस 16, देखो इधर 16 माइनस में था उधर प्लस में चला गया, तो एल इक्वल टू 16, 4 और 16 मिलकर के कितने हो जाएंगे कोई 21 मत पढ़ना 20, ठीक है। 16 4 20 होता है 21 नहीं, एल प्लस बी इक्वल टू 20 हो गया। तो अब देखो हमारी कंडीशन दी थी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा रहे, तो देखो चौड़ाई आई 16 लंबाई आई 20 तो 4 मीटर ज्यादा है कि नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम लोग यहां पर रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ पुराने क्वेश्चंस को ध्यान कर रहे हैं, पुराने विधियों को ध्यान कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे, ऐसे ऐसे हमको चैप्टर में बताया गया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पूरी है कि डिटेल से नहीं बता रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कितना घर पे पढ़ रहे हो, और हमें उम्मीद है कि सब आप सब लगा लोगे क्योंकि आप सब बहुत होनहार बच्चे हो, बहुत पढ़ते हो घर पे, तो आप सब लगा लोगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट करना है कि आ गया है आंसर कि नहीं आया है। जिसे आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, अगली वीडियो में हमें क्वेश्चन बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग एक काम करना है, अगर आप लोग की क्लास समझ में आ रही है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हमको पढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ये क्वेश्चन उनको भी मिल सके और उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है।